देखो बच्चों, आज हम लोग P2 वाली जो प्रैक्टिस शीट हम लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करी थी, सभी लोग जान जाइए और अपने साथ के बच्चों को भी बता दीजिए। अपना एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम फिजिक्स बाई आरवी सिंह है। उस टेलीग्राम चैनल पे हम लोग पर डे मंडे टू फ्राइडे प्रैक्टिस शीट अपलोड करते हैं और उस प्रैक्टिस शीट को आपको होमवर्क सॉल्व करके पर्सनल मेरे टेलीग्राम पर्सनली मुझे भेजना होता है। मैं आपका होमवर्क चेक करता हूँ और जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस के सॉल्व करने की डिमांड होती है उसे फिर एक दो दिन बाद उसका वीडियो सॉल्यूशन भी भेजता हूँ। इस तरह से जो भी हमारा शेड्यूल है हिसाब से आपको पूरा का पूरा, जब तक आपका नीट का पेपर नहीं आ जाता तब तक 10-15 जुलाई तक हम आपको काफ़ी प्रैक्टिस शीट भेज के आपकी पढ़ाई की कंटिन्यूटी को बना के रखेंगे। साथ साथ लगे रहिए, पढ़ते रहिए। देखिए भैया, ये क्वेश्चन नंबर 1 के लिए बच्चों ने काफी बोला कि सर इसको डिस्कस करा लीजिए। देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है, लिखा है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू हाफ ऑफ द सर्कुलर पार्ट एंड माइनस क्यू इज गिवन टू रिमेनिंग हाफ। पहली बात तो देखो, ये कह रहा है कि एक चार्ज रिंग है जिसका ऊपर पार्ट पे प्लस हाफ क्यू है, नीचे पे माइनस क्यू है और ए और बी पर पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। पहले तो अपने दिमाग में बैठा के रखो कि जो पोटेंशियल होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, उसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। तो पोटेंशियल एग्जैक्टली के क्यू अपॉन आर होता है, पोटेंशियल चार्ज पर डिपेंड करता है और इस रिंग का टोटल चार्ज क्या हो गया, जीरो। तो जब इस रिंग का टोटल चार्ज जीरो है तो ना ये यहाँ पर भी जीरो पोटेंशियल बनाएगा, यहाँ पर भी जीरो पोटेंशियल बनाएगा, तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो आ जाएगा, तो आपका जो आंसर है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। भाई आप पोटेंशियल का फॉर्मूला जानते हैं, के क्यू अपॉन आर, यही तो होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला। तो आप यदि ऐसे नहीं समझ पा रहे कैसे समझिए, जितना ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल बनाएगा, नेगेटिव चार्ज उतना ही यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल बनाएगा, तो इन दोनों के कारण टोटल पोटेंशियल यहाँ जीरो हो जाएगा। जितना पॉजिटिव चार्ज है यहाँ ए पर पोटेंशियल बनाएगा, उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ ए पर पोटेंशियल बनाएगा, तो भी नेट पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल चार्ज के साइन पर डिपेंड करता है। तो ऊपर वाले प्लस के कारण पॉजिटिव साइन का पोटेंशियल मिलेगा, नेगेटिव कारण नेगेटिव साइन का पोटेंशियल मिलेगा, उतना ही चार्ज उतनी ही दूरी, तो नेट पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है वो फोर्थ हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। एक क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पोटेंशियल ऑफ द अरेंजमेंट, ध्यान दीजिए पूछा है, क्वेश्चन आपको दे रखा है, मैं आपको बता देता हूं। देखो क्या है, क्या रहा पोटेंशियल ऑफ द अरेंजमेंट आपसे डिस्कस करना चाहता है। पोटेंशियल ऑफ द अरेंजमेंट इज जीरो इन एक्स वाई प्लेन, इस पूरे एक्स वाई प्लेन पे कहां कहां पोटेंशियल जीरो होगा। देखिए इसके पहले जो भी हमारे सवाल आते थे जीरो पोटेंशियल के पॉइंट, तो स्पेशली बोलता था कि लाइन में कहां पर जीरो होगा, तो हम बताते थे एक पॉइंट अंदर मिलेगा और एक पॉइंट बाहर मिलेगा, बड़े वाले चार्ज से दूर छोटे वाले चार्ज के बाहर। लेकिन अब आपसे प्लेन पे पूछा तो प्लेन पर तो कई पॉइंट ऐसे होंगे जहां पर इसका जो पोटेंशियल है जितना इसके कारण पॉजिटिव बन रहा होगा उतना इसके कारण नेगेटिव बन रहा होगा और टोटल पोटेंशियल जीरो हो जा रहा होगा। तो इसलिए आप ये समझिए कि इन दोनों पॉइंट चार्जेस के कारण किसी भी प्लेन के पर कई ऐसे पॉइंट होंगे जिससे इनका जो टोटल पोटेंशियल की वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी, जितना ये पॉजिटिव बनाता होगा उतना ये नेगेटिव बनाता होगा, तो नेट पोटेंशियल जीरो हो जाया करता होगा, समझ रहे। तो इसीलिए इसके नंबर ऑफ जीरो पोटेंशियल के पॉइंट क्या होंगे, इनफिनाइट। तो इसलिए इसके प्लेसेस क्या हो जाएंगे, इनफिनाइट। ये सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है वह है फिफ्थ। देखो भाई फिफ्थ क्वेश्चन बहुत से बच्चों ने पूछा है कि सर फिफ्थ क्वेश्चन डिस्कस कर दीजिए। देखिए भैया फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, पहले मैं फिफ्थ क्वेश्चन आपको समझाना है कि एग्जैक्टली ये फिफ्थ क्वेश्चन है क्या कह रहा है। इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल इज 10 वोल्ट, ठीक है, एट ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट, कह रहा है किसी कोऑर्डिनेट के ओरिजिन पर 10 वोल्ट का पोटेंशियल है, अच्छी बात है, एंड 8 वोल्ट इज एट ईच ऑफ द पॉइंट 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 और तो आपसे पूछ रहा है द पोटेंशियल एट द पॉइंट 1, 1, 1 डिग्री, ऐसा क्या बोल रहा है, समझाता हूं। ये एक सवाल क्या है इसको समझाने की आपको हम कोशिश करते हैं, ये सवाल है क्या और हमें ये सॉल्व कैसे करना है। देखिएगा इस क्वेश्चन को हम फिर से ले आते हैं, गायब हो गया।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की हम लोग बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करना है देखो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इज 10। कह रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में द पोटेंशियल इज 10 वोल्ट एट द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट। कह रहा है कोऑर्डिनेट के ओरिजिन पर 10 वोल्ट का पोटेंशियल है, ठीक। और 8 वोल्ट एट ईच ऑफ द पॉइंट 1.0001। कैसा क्या है हम आपको समझाते हैं कि क्या चीज है। देखिए हम एक क्यूब बना रहे हैं जिसमें आपको ये बात पता लगेगी। देखिए एक हम लोग क्यूब यूज करने जा रहे हैं जिससे आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। देखिए ये हो गया एक क्यूब, ये एक क्यूब हो गया, ठीक। अब क्यूब से आपको हम समझाएंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी क्वेश्चन में दिया क्या है और हमको करना क्या है। सीखिए क्वेश्चन क्या है। इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल इज 10 वोल्ट एट ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट। मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट का ये है आपका वाई एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका जेड एक्सिस। बढ़िया, एक्स वाई और जेड। अब क्या कह रहा है, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इज 10 वोल्ट एज ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट। कह रहा है ओरिजिन पर 10 वोल्ट, समझिएगा कह रहा है ओरिजिन पर 10 वोल्ट है, ओरिजिन पर 10 वोल्ट दे रखा है, समझिए यहां पर ओरिजिन पर V नॉट, ठीक। ओरिजिन पर पोटेंशियल हो गया V नॉट और यहां का पोटेंशियल इसने दे रखा है 10 वोल्ट, अच्छी बात है। उसके बाद क्या कह रहा है, ईच पॉइंट 1.0, 1.0, 1.0, 1.0 मतलब यहां पर लगेगा ये 1.0.0। देखो ये कह रहा है 0.0 तो 0 पर तो 10 वोल्ट है जिसको हम लोगों ने बोल दिया वी, ठीक। फिर उसके बाद 1.0.0 और उसके बाद 0.1.0 और 0.0.1, इन तीनों पर ही 8 वोल्ट है जो गिवन है क्वेश्चन में। देख रहे हो 1.0.0, 0.1.0 और 0.0.1, इन तीनों पर ही 8 वोल्ट है। तो 1.0 मतलब ये डिस्टेंस 1 है, तो इसको बोलोगे 1.0.0, यहां पर भी 8 वोल्ट है। ये डिस्टेंस 1 है तो यहां पर भी तुम बोल सकते हो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बोलोगे, 0.1.0, तो यहां पर भी 8 वोल्ट है। और इधर आ जाओ तो इसको बोलोगे 0.0.1, तो इसके कोऑर्डिनेट्स यहां पर भी वोल्टेज 8 वोल्ट है, समझ पा रहे हो। 1.0.0 मतलब केवल x एक्सिस की रीडिंग है यहां पर, तो x एक्सिस की रीडिंग हो गई 1, तो x एक्सिस से 1 की दूरी पर पोटेंशियल 8 वोल्ट। यहां पर केवल y एक्सिस की रीडिंग है तो केवल y एक्सिस की दूरी पर 1 दूरी पर पोटेंशियल 8 वोल्ट, और यहां केवल z एक्सिस की रीडिंग है तो z एक्सिस पर 1 की दूरी पर पोटेंशियल 8 वोल्ट। अब आपसे जानना कहां चाहता है, आपसे कह रहा है फाइंड पोटेंशियल एट 1.1.1, ये आपका क्वेश्चन, फाइंड पोटेंशियल एट 1.1.1, आपसे यहां पर पोटेंशियल जानना चाहता है, ठीक। यहां पर है पोटेंशियल वी। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का एक फॉर्मूला था माइनस एक्स वन से एक्स टू ई एक्स डी एक्स माइनस वाई वन से वाई टू ई वाई डी वाई और माइनस जेड वन से जेड टू ई जेड डी जेड। बढ़िया, सीखो चार, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का ये फॉर्मूला है माइनस एक्स वन से एक्स टू ई एक्स डी एक्स माइनस वाई वन से वाई टू ई वाई डी वाई माइनस जेड वन से जेड टू ई जेड डी जेड। अब ये कैसे करेंगे, देखो ये पॉइंट हो गया हमारा ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स वन वाई वन जेड वन जो हो गए 0.0.0, और हमें इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो ये हो गया एक्स टू वाई टू और जेड। लेकिन परेशानी क्या है कि हमें ई एक्स ई वाई और ई जेड नहीं पता है, सीखिए हमें ई एक्स ई वाई और ई जेड नहीं पता है। अब ये कैसे करेंगे समझिएगा, सबसे बड़ी परेशानी है कि अब हमें ई एक्स ई वाई और ई जेड नहीं पता है। देखो कैसे करेंगे,
इतना सबको क्लियर हो चुका है? पहले क्वेश्चन फिर से समझ लो। क्वेश्चन ने बोला कि ओरिजिन पर जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है और एक एक दूरी पर मतलब 1 की दूरी पर 1 इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बोलोगे 1, 0, 0 इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बोलोगे 0, 1, 0, 1, 0 इसके भी पोटेंशियल 8 है। अरे कुल मिला के एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे जेड एक्सिस पे पोटेंशियल 1 वोल्ट है। आपसे 1, 1, 1 पर पोटेंशियल जानना चाहते हैं। तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है Vx1 x2 ex dx माइनस वाई इंटीग्रेशन y1 से y2 ey dy। और अब बात आती है कि पहले ये तो पता कर लें ये ex ey ez क्या है। ये vo हो गया आपका x1 y1 z1 और ये आपका v पर जो कोऑर्डिनेट्स है ये 1, 1, 1, 1, 1, x2 y2 z2 बताएगा। अब बात आती है ex ey ez कैसे निकले। अब देखो ex कैसे निकलेगा समझिए। ex कैसे निकाल सकते हैं? ex निकाल सकते हैं dv by dx माइनस dv by dx। चलो भाई निकालो ex माइनस dv by dx। तो x एक्सिस में पोटेंशियल में डिफरेंस करो 8 माइनस 10 माइनस 2 हो जाएगा 8 माइनस 10 ex। अरे x एक्सिस के अलावा पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहो तो dv by dx करोगे तो x एक्सिस अलावा पोटेंशियल में डिफरेंस 8 माइनस 10 तो ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस 2 और गैप कितना 1 तो ex आ जाएगा आपका 2 वोल्ट। अच्छा अगर ey बताओ ey में भी वही करोगे माइनस dv by dy। अब तो यदि ey निकालना चाहोगे तो ey भी यही करोगे माइनस dv by dy। इसको भी जब सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा कितना 2 वोल्ट। ez करना चाहोगे तो उसमें भी माइनस dv by dz करोगे अब इसमें भी सॉल्व होके ये 2 वोल्ट हो जाएगा। कैसे जब z में निकालो तो 8 माइनस 10 माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस और गैप तो 1। अब आपके पास ex ey ez आ गया। अब ले जाके आप यहां रख लीजिए तो पोटेंशियल डिफरेंस की यदि हम बात करें समझिएगा यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें देखिएगा सीखिए। अब यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा इन दोनों के बीच निकालो फाइनल माइनस इनिशियल तो ये हो जाएगा इधर v समझिए v माइनस v नॉट यहां x1 से x2 x1 यहां 0 से 1 0 से 1 ex हो जाएगा आपका 2 dx। इस तरह से ey 0 से 1 2 dy यहां हो जाएगा z1 0 से 1 2 dz ठीक है ये आपकी वैल्यू होती है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं समझिए अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं देखो क्या हो सकता है। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा देखिएगा ठीक। अब v v है हमारा फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल हमें निकालना है। V नॉट ओरिजिन का पोटेंशियल जो कितना है 10 वोल्ट माइनस 0 से 1 0 से 1 है इसका इंटीग्रेशन करना है सीधे सीधे इंटीग्रेशन कर दो क्या लेकर हटाओ उसे तो 2 को तो तुम बाहर कर दो समझिए 2 को तो बाहर कर दो केवल dx का इंटीग्रेशन x कर दो रेंज हो जाएगी 0 से 1 यहां भी 2 को बाहर कर लो dy का इंटीग्रेशन कर लो y रेंज हो जाएगी 0 से 1 यहां भी 2 को बाहर कर लो केवल dz का इंटीग्रेशन कर लो z रेंज हो जाएगी 0 से 1 तो ये हो जाएगा v माइनस 10 यहां आ जाएगा माइनस 2 भाई 1 माइनस 0 करो 1 बचेगा यहां भी आ जाएगा 2 1 माइनस 0 करो 1 बचेगा यहां भी 1 माइनस 0 करो माइनस 2 तो v माइनस 10 बराबर माइनस 6 हो जाएगा v बराबर 10 माइनस 6 ये आपका 4 वोल्ट आ जाएगा ठीक ये आपका आंसर है। कैसा क्या है एक बार फिर से समझा देते तो अच्छा रहेगा। चलो देखते हैं सीखिए क्या सवाल है कैसे हमको करना है इसको देखो ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करना है सवाल। देखिए सवाल में क्वेश्चन में क्या दे रखा था क्या करना है इतना तो देखना हो सर ठीक। देखो ये है क्यूब क्वेश्चन में क्या था इन्होंने क्यूब बोला नहीं उन्होंने बोला एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका ओरिजिन पे पोटेंशियल 10 वोल्ट है बढ़िया तो ओरिजिन पे पोटेंशियल 10 वोल्ट हो गया। फिर कह रहा है
कि एक्स एक्सिस पर वन दूरी पर, एक्स एक्सिस का मतलब 1,0,0, वाई जेड पर कोई रीडिंग नहीं केवल एक्स पर, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस पे 8 वोल्ट है, ठीक। एक्स एक्सिस पे 8 वोल्ट हो गया 1 की दूरी पर, वाई एक्सिस पे 8 वोल्ट हो गया 2 की दूरी पर, 1 की दूरी पर, और जेड एक्सिस पे 8 वोल्ट हो गया 1 की दूरी पर। और अब आपसे कह रहा है कि 1,1,1 पर क्या पोटेंशियल होगा, तो हमको इस बात को समझना है कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है माइनस x1 से x2 exdx इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन y1 से y2 eydy माइनस इंटीग्रेशन z1 से z2 ezdz। अब बात आती है कि भैया ये सब रीडिंग कहां से मिलेंगे, तो ओरिजिन इनिशियल पॉइंट हो गया 1,1 पे निकालना, ये हमारा 1,1,1 पे निकालना वो हमारा फाइनल पॉइंट हो गया। तो ये x1 y1 z1 000 हो गया और 1,1,1 x2 y2 z2 हो गया। अब हमें इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो रीडिंग तो हमारे पास है लेकिन हमारे पास ex ey ez नहीं था, तो ex कैसे लिखेगा, ex लिखेगा माइनस dv बाई dx, तो dv x एक्सिस के अलावा पोटेंशियल डिफरेंस 8 - 10 फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो 8 - 10 हो जाएगा, तो 8 - 10 -2 और 1 माइनस ये है तो -2 आ जाएगा। इसी तरह ey निकालो तो dv बाई dy 8 - 10/1 ये भी माइनस में 2 आएगा, सॉरी के प्लस 2 हो जाएगा, तो आपको ex भी आपका +2 आ गया, ey भी +2 आ गया, ex भी आपका +2 आ गया, ey भी +2 आ गया और ez भी आपका +2 आ गया। अब आपके पास जब ex ey ez हो गए तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है माइनस इंटीग्रेशन x1 से x2 ex dx माइनस इंटीग्रेशन y1 से y2 ey dy और माइनस इंटीग्रेशन z1 से z2 ez dz। ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, तो जिन दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है वही तो रीडिंग ली जाएगी। तो यहाँ रीडिंग हुई 0 से 1 0 से 1 0 से 1, ex ey और ez दोनों की जैसे तीनों को यहाँ 1 2 2 2 रख दिया, ex की वैल्यू 2, ey की वैल्यू 2, ez की वैल्यू 2, ठीक। अब v नॉट जो है ओरिजिन का पोटेंशियल था, ओरिजिन का पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो वो 10 वोल्ट रख दिया, 2 को बाहर निकाल लो, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, dz का इंटीग्रेशन z हो जाएगा। अब 1 - 0 1 बचेगा, 1 - 0 1 बचेगा, 1 - 0 1 बचेगा, तो -2 - 2 - 2 - 6 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, +10 हो जाएगा, 10 - 6 है आपका ये 4 वोल्ट आ जाएगा, तो ये आपका पोटेंशियल के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। चलो अब इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको समझना है। वो भी गायब हो गया, चलो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों ने ज्यादा पूछा है वो देखिए उसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बच्चों ने बहुत ज्यादा पूछा है कि समय में बता दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों ने पता नहीं क्यों इतना पूछा, सिंपल सवाल था एक बार, चलिए अब डिस्कस कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैरेक्ट 2 पॉइंट पी एंड क्यू आर मेंटेन एट पोटेंशियल, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, यदि नहीं समझ में आ रहा थोड़ा सा अप्लाई कर लेते हैं। देखो भाई क्या बोल रहा है, 2 पॉइंट P एंड Q आर मेंटेन एट पोटेंशियल 10 वोल्ट एंड -4 वोल्ट। देखो दो पॉइंट M, P और Q, तो P का पोटेंशियल हो गया आपका 10 वोल्ट, Q का पोटेंशियल हो गया -4 वोल्ट, हो गया ठीक है, अच्छी बात है। The work done in moving 100 electron, 100 electron, तो 100 electron का चार्ज हो जाएगा Q is equal to N, N की जगह 100, E की जगह 1.6 into 10 to the power minus 90, तो ये लेकिन माइनस साइन के साथ लोगे, वर्क डन के फॉर्मूले में जो टेस्ट चार्ज का साइन लिया जाता है, तो Q नॉट वैसे भी इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव साइन लो लोगे, 100 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है 1.6 into 10 to the power minus 17 कूलम, ये आपका Q नॉट होता है, सीखो। तो क्या कह रहा है, 2 पॉइंट P एंड Q आर मेंटेन एट द पोटेंशियल 10 वोल्ट एंड -4 वोल्ट, दो पॉइंट P और Q 10 वोल्ट और -4 वोल्ट पर मेंटेन किया गया, अच्छी बात है। अब क्या कह रहा है, वर्क डन इन मूविंग 100 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाल लो, तो Q इज इक्वल टू Ne से 100 इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालेगा, और 100 इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसमें होना चाहिए, नेगेटिव में, भाई Q इज इक्वल टू Ne, और वर्क डन के फॉर्मूले में हमेशा साइन दिया जाता है। अब क्या पूछा है, वर्क डन आपसे पूछ रहा है, तो वर्क डन का फॉर्मूला लगाओगे पोटेंशियल डिफरेंस इनटू टेस्ट चार्ज। अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस 4 माइनस 10,
और एक चार्ट, इसका भी साइन माइनस थ्री होगी, 1.682 माइनस 1.17 है ना, 10 की पावर माइनस 17। अब ये माइनस इसका मिलेगा और माइनस इसका मिलेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका आंसर प्लस में आ जाएगा 4, ठीक है, 2.24 जो है रियली वैल्यू आपकी सॉल्व होके आ जाएगी। तो सबसे बड़ी चीज क्या थी, बड़ी चीज यही आपको समझ रही थी कि टेस्ट चार्ज का भी क्या लिया जाएगा, साइन लिया जाएगा, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 को बच्चों ने बहुत पूछा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सीखो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, क्या करना है क्वेश्चन नंबर 10, सीखो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है बहुत ही बढ़िया सवाल है, काफी लोगों ने पूछा भी ये सवाल को। इलेक्ट्रिक चार्ज 10 टू द पावर माइनस 3 माइक्रो कूलम इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, सीखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज 10 की पावर माइनस 3 माइक्रो कूलम प्लेस्ड एट ओरिजिन। ये देखो डायग्राम क्या होगा, ये आपको दे रखा है इस तरह से, ठीक है, एन इलेक्ट्रिक चार्ज 10 की पावर माइनस 3 इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। लो भाई यहां पर ओरिजिन पे 10 की पावर माइनस 3 माइक्रो कूलम ओरिजिन पे प्लेस्ड है, ठीक, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 10 की पावर माइनस 3 प्लेस्ड एट ओरिजिन 0, 0 इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट, टू पॉइंट ए एंड बी आर सिचुएटेड 2, 0, ए पर ए पॉइंट है 2, 0, ठीक, एंड अदर पॉइंट इज रूट टू कॉमा रूट टू, ठीक है, अच्छी बात है। अब आपसे जानना चाहते व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, सॉरी ये ए नहीं, ये बी पार्ट है, देखो ये आपका ये है बी और ये है ए, और आपसे ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, ये मैं आपको सीधे सिखा देता हूं, तुरंत आप ऐसे ही कर लेंगे। जरा सोचिए ये जो दूरी है वो कितनी हो गई, 2, सीधी सीधी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई √2 √2 है, तो देखो वाई की रीडिंग हो गई √2, एक्स की रीडिंग हो गई √2, भाई यदि इसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है तो ये कहलाएगा वाई, ये कहलाएगा एक्स, तो ये डिस्टेंस कितनी है, जिसको हम लोग एग्जैक्टली स्टार्ट की डिस्टेंस आर तो ये ली जाएगी, तो ये जो आर की वैल्यू है वो अंडर √2 का स्क्वायर 2 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, तो मतलब ये वैल्यू भी 2 हो गई। मतलब मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं कि इस चार्ज से बी की दूरी भी 2 है और इस चार्ज से ए की भी दूरी 2 है। भैया √2, √2 कोऑर्डिनेट्स हैं, दूरी नहीं है, √2, √2 तो कोऑर्डिनेट्स है ना, तो ये रीडिंग √2 ये x है तो ये x हो जाएगा, ये √2 y है तो ये y है, लेकिन चार्ज की इस पॉइंट से जो दूरी है वो तो इसको कहा जाएगा ना, तो जब आप अंडर √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 का स्क्वायर √2 आ जाएगा, तो ये b वाली दूरी भी 2 है, a वाली दूरी भी 2 है, तो दोनों का पोटेंशियल क्या आएगा, सेम, तो दोनों जगह पे जब पोटेंशियल सेम होगा तो जाहिर सी बात है पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, जीरो, तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा फर्स्ट। अरे कैसा, ये तो वैसे जानते हैं, जब ऑप्शन 0 हो तो आंसर 0 ही होता है, इसमें कोई बहुत टैलेंट वाली बात थोड़ी ना, ये तो वैसे बता देते हैं, हर चीज सॉल्व थोड़ी करके दिखाई जाती है, हम ये जानते हैं यदि 0 ऑप्शन है तो दिया ही इसीलिए गया है कि आंसर होगा, ये तो हमसे हम ऐसे पूछ लेते हैं, पता नहीं कौन भाई को बच्चा आपसे पूछ लिया ऐसे, ज्योति नहीं थी इस बात की। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब उसके बाद एक क्वेश्चन बच्चों ने बहुत पूछा है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, बड़ा बढ़िया सवाल है, क्वेश्चन ही लागू होता है, इसको भी सीखना पड़ेगा हमें कैसे करना, अभी नया नया सीख रहे हैं लेकिन ठीक कर लेंगे इसको भी, स्टेप बाय स्टेप मामला बनता है। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही बढ़िया सवाल है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रखा है, हमें आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं।
कह रहा है टू सिमिलर पॉइंट चार्ज सिचुएटेड ऑन एक्स एक्सिस, कह रहा है दो एक जैसे चार्ज एक्स एक्सिस पर रखे हुए हैं, एक माइनस ए पर एक प्लस ए पर, एक अनदर पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज placed at origin, एक plus Q origin पे रखा हुआ है. If Q is displaced by small distance x on x-axis, small distance x पर उसको खिसकाया जाता है, तो change in potential energy approximately proportional to. कैसा क्या था नहीं क्या है क्या आपको सिंपल करते हैं. तो हमारे लोग ऐसे थोड़ी मोटी सी बुद्धि है तो उनको समझ नहीं पाते है ना. चलो इसको छोटा कर देते हैं और हम पढ़ के तुम्हें समझा देंगे. हमें दिखाई पड़ा तो नहीं दिख रहा हमें दिख रहा है, हम तो क्वेश्चन समझा समझा कराते हैं. जो क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, टू सिमिलर पॉइंट चार्ज सिचुएटेड ऑन एक्स एक्सिस. देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे. टू सिमिलर पॉइंट चार्ज आर सिचुएटेड ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर दो एक जैसे पॉइंट चार्ज है. समझिए एक्स एक्सिस पर मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये हो गया ओरिजिन. टू सिमिलर पॉइंट चार्ज सिचुएटेड ऑन एक्स एक्सिस प्लस ए और माइनस ए. मान लो यहां पर एक चार्ज है क्यू और एक माइनस ए पर है प्लस क्यू, दो सिमिलर पॉइंट चार्ज है. ठीक है, ये एक्स स्क्वायर टू प्लस ए पर है और ये एक्स स्क्वायर टू माइनस ए पर है. इधर एक इधर है और कोई भी बात नहीं. एंड द चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, प्लस क्यू प्लेस्ड एट ओरिजिन. ठीक है, पहली क्वेश्चन लाइन का मतलब यही है, टू सिमिलर पॉइंट चार्ज आर सिचुएटेड ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे सिचुएटेड है, एक प्लस ए पर सिचुएटेड है और एक माइनस ए पर सिचुएटेड है. ठीक है, अच्छी बात है. एंड a point charge plus q placed at origin aur ek plus q yahan par origin pe rakha hai. If q is displaced by small distance x, to ye to case 1 ho gaya, case 1 to case 1 ho gaya. Ab ye keh raha hai case 2 kya keh raha hai, case 2 kya keh raha hai, case 2 keh raha hai if q is displaced by small distance x on x axis, keh raha hai yadi isko small axis small distance displace karte hain q, मतलब मान लो यहां पर तुम्हारा प्लस क्यू होता था यहां पर और यहां पर भी एक प्लस क्यू था, ये भी दूरी ए थी ये भी दूरी ए थी, लेकिन अब आपने प्लस कैपिटल क्यू को एक्स डिस्टेंस शिफ्ट कर दिया. एक्स डिस्टेंस शिफ्ट करोगे तो ये दूरी अब हो जाएगी एक्स प्लस ए और ये वाली सॉरी ए प्लस एक्स सही वर्ड तो ये रहेगा ए प्लस एक्स, ये दूरी हो जाएगी. हाँ देखो पहले वो पहले ये चार्ज ए दूरी पर होता था, बोलो ये वाली जो ये जो चार्ज है वो ए दूरी पर होता था, ये दूरी पर होता था. अब इसको हल्का सा खिसका देंगे तो ये दूरी हो जाएगी ए प्लस एक्स और ये वाली दूरी हो जाएगी अब थोड़ी सी कम हो जाएगी ए माइनस एक्स. बढ़िया, ठीक है, तो दो केस बने. क्वेश्चन फिर से बन जाते हैं, टू सिमिलर पॉइंट चार्जेस आर सिचुएटेड ऑन एक्स एक्सिस, दो एक जैसे चार्ज एक्स एक्सिस पर सिचुएटेड है, एक प्लस ए पर और एक माइनस ए पर, कुल मिला के एक टोटल टू ए दूरी पर है या ए दूरी पर है ओरिजिन से. ओरिजिन पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा है. अब क्या कह रहा है, इफ क्यू इज डिस्प्लेस्ड बाय स्मॉल डिस्टेंस एक्स ऑन एक्स एक्सिस, अब एक्स एक्सिस पे क्यू को एक्स डिस्टेंस खिसका दिया गया. ठीक है, देन चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू, कह रहा है तब पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा या किसके प्रोपोर्शनल होगा. क्वेश्चन समझ में आ गया कि दो चार्ज प्लस क्यू है, बीच में एक चार्ज क्यू रखा है, ए दूरियों पर है, यदि इसको स्मॉल डिस्टेंस एक्स खिसका दिया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा. तो पहले पोटेंशियल एनर्जी तो निकालें, तो यदि हम पोटेंशियल एनर्जी निकालने पर आए, देखिएगा यदि हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालने पर आए तो पहले वाले की पोटेंशियल एनर्जी निकालो यू वन, तो जितनी इसके कारण होगी उतनी इसके कारण होगी, तो बनेगा टू के क्यू क्यू अपॉन ए. ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट, हो गया इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. ठीक यू वन, अब आपने इसको एक्स डिस्टेंस खिसका दिया तो पहले वाले के तो ये पास आ जाएगा ए माइनस एक्स, दूसरे वाले के दूर हो जाएगा ए प्लस एक्स, तो यू टू बना लो, तो यू टू बनेगा के क्यू क्यू अपॉन ए प्लस एक्स और उससे पास आ जाएगा तो प्लस के क्यू क्यू अपॉन ए माइनस एक्स. ये इक्वेशन सेकंड. अब आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो दोनों का डिफरेंस कर दो, डेल्टा क्यू निकाल लो, यू टू माइनस यू वन. अब आप जब यू टू माइनस यू वन करोगे तो ये पहले रखोगे इसको बाद में रखोगे, तो इन दोनों का एलसीएम ले लो एक साथ, इन दोनों को एलसीएम ले लो तो ये आपका बन जाएगा. चलो ठीक है सब एक साथ कर लो, के क्यू क्यू अपॉन ए प्लस एक्स
ये हो जाएगा के क्यू क्यू अपॉन ए माइनस एक्स, और माइनस करना है पहले वाले पोटेंशियल माइनस कर लोगे, टू के क्यू क्यू अपॉन ए, जितना पोटेंशियल इसके कारण होता है पोटेंशियल। ठीक है, समझ में आ गया इतना क्वेश्चन, इतनी बात क्लियर हो गई। पहले चार्ज यहां पर है, क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या था कि दो पॉजिटिव चार्ज सिमिलर चार्ज के बीच में कोई चार्ज क्यों रखा गया है? यदि इस चार्ज को एक तरफ हल्का सा खिसका दिया जाए कितना x डिस्टेंस, तो पोटेंशियल जी में जो चेंज आएगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो हमें समझना है जब चार्ज यहां रखा है तब की हमें पोटेंशियल जी निकालनी, तो चार्ज की पोटेंशियल जी में चेंज पूछा है ना, तो केवल चार्ज से रिलेटेड पेयर लेंगे, याद करो समझ लो, केवल चार्ज से रिलेटेड पेयर लेंगे। तो चार्ज का इसके साथ पेयर के क्यू क्यू अपॉन ए, चार्ज का इसके साथ पेयर के क्यू क्यू अपॉन ए, अरे के क्यू वन क्यू टू अपॉन आ रही तो होता है पोटेंशियल जी। ठीक, अब जब ये एक्सिस्टेंस आगे खिसक गया तो यहां से इसकी दूरी a माइनस एक्स हो जाएगी और यहां से a प्लस एक्स हो जाएगी, तो एक इसके कारण पोटेंशियल a q q अपॉन a प्लस x, एक इसके कारण a q अपॉन a माइनस x। अब कितना पोटेंशियल जी में चेंज आएगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल निकाल लिया, तो हम चेंज इन पोटेंशियल जी डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका k q q कॉमन आ जाएगा, अब नीचे एलसीएम ले लो, जब नीचे एलसीएम लेने आपको तो ये a हो जाएगा, ये a प्लस x हो जाएगा, ये a माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यदि हम इसको सॉल्व करने पे आएंगे तो देखो क्या आता है, अब देखो a प्लस x हटेगा तो यहां बचेगा a a माइनस x, यहां a माइनस x हटेगा तो यहां बचेगा a a प्लस x, ये 2। अब यहां पर क्या हो जाएगा, a कट जाएगा तो यहां के दोनों पहुंच जाएंगे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के पास, साथ में ये 2 तो रहेगा रहेगा ये अलग। ठीक है, अब थोड़ा इसको पलट लेते हैं, जगह तो चाहिए। ठीक, तो यहां से आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, के क्यू क्यू डायरेक्टली क्वेश्चन टू चाहिए, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे इसको, डायरेक्टली क्वेश्चन टू वाला। अब देखो कैसे सॉल्व होगा, अंदर ले जाओ इसको, ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस ए एक्स, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए एक्स, यहां बनेगा माइनस टू ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस टू एक्स स्क्वायर, ये तो माइनस टू ए स्क्वायर। ठीक, और ये प्लस टू एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और यहां हो जाएगा ए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलो अब देखते क्या क्या कट रहा है, देखो प्लस एक्स माइनस प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, और प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और तो कहीं कुछ बचा नहीं, बढ़िया। अब जरा ध्यान से देखो, हमने बोला स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात करी है, जब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करते हैं, जब भी कोई चीज स्मॉल होती है तो वो माइनस करने पे कोई माइनस या प्लस करने पे फर्क नहीं डालती, मतलब कहने का मतलब मान लो x की वैल्यू स्मॉल है, यदि x की वैल्यू स्मॉल है तो उसकी x स्क्वायर की वैल्यू लगभग लगभग हम क्या ले सकते हैं, जीरो। अब बात आती है सर x स्क्वायर एक ऊपर भी और एक x स्क्वायर नीचे है, कौन वाला x स्क्वायर को जीरो लेंगे? तो हम ये कहते हैं जो छोटी संख्या होती है, जैसे मान लो 100 के साथ तुम 0.1 जोड़ो तो ये कोई फर्क नहीं डालती, जब 100 के साथ 0.1 गुणा करो तो फर्क डालती है, तो जो चीज मल्टीप्लाई में है उसको जीरो नहीं कह सकते क्योंकि वो फर्क डालेगी, लेकिन जो चीज एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में है उसको जीरो कह सकते हैं क्योंकि वो फर्क नहीं डालेगी, तो हम इस वाले x स्क्वायर को लगभग लगभग जीरो कह सकते हैं। तो ये सारे टर्म फिर हमारे कांस्टेंट हो गए, a q q a q ये सब कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, x स्क्वायर। तो इस प्रैक्टिस शीट में जो सबसे बढ़िया और मोस्ट कॉमन क्वेश्चन थे उसका सॉल्यूशन हमने कर दिया। अब अगले टर्न से हम लोग क्या करेंगे, दो दो प्रैक्टिस शीट को कंबाइन करके किया करेंगे, जैसे मैं आपको P4 प्रैक्टिस शीट आज दे दूंगा शाम को, तो आप जो है P3 और फ्राइडे को P3 और P4 दोनों के जितने भी जरूरी सवाल हैं सबके सॉल्यूशन मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। भैया लगे रहो साथ साथ में, साथ प्रैक्टिस शीट सॉल्व करते रहो, क्योंकि साथ साथ वो चैप्टर का डिस्कशन भी होता जाता ना, तो आप लोग इसके अच्छे क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। एक और अच्छी चीज, जो प्रैक्टिस शीट एक बार सॉल्व कर ले उसको दोबारा दो तीन बार और लगा लिया करिए, जिससे आपकी स्पीड बढ़ जाए और वो कंसेप्ट और अप्रोच और पक्का हो जाए। लगे रहिए, मस्त रहिए, बेस्ट हो।